आशा अस्तनाम जी, हॉस्पिटल में हम काम करते हैं, सारे नर्सें हैं। ये हमारे कमरे हैं, प्राइवेट कमरे दिए गए हैं। कई दिनों से हमारे रूम में छेड़खानी करने लड़के आते हैं। कई बार हमने शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन दोनों बहनों को लॉकडाउन में निकाल दिया गया था। और सैलरी भी 3,000 रुपये देते थे। और जब हम इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनको दबा दिया गया। ये सुप्रीत है, पंजाब से ओटी असिस्टेंट है। ये मंजू है, हमारे कमरे के अंदर पकड़ी इसको, छोड़ कर। मेरे बेड के नीचे आज एक चिप मिली है जो गैर कानूनी है एक तरह की। कैमरे लगाए जाते हैं। वॉशरूम में भी पहले कई बार कैमरे लगे हैं। 15 जुलाई की रात को मैं और ये रूममेट है सुप्रीत, और ये रूममेट है हम दोनों, हमारे उसके अंदर कमरे में आए गए हैं। कमरे में आने के बाद रात को हमारे कमरे, हम जब कमरे में कोई आया है, जब हमने वहाँ जांच की, उस टाइम उन्होंने बोला कि कैमरे ख़राब है, हम जांच नहीं कर सकते। आए दिन हमारे साथ छेड़खानियाँ होती है, बदतमीजियाँ होती है, मेल स्टाफ हमें टॉर्चर करता है। और फीमेल स्टाफ सीनियर वीरपाल दी हमें आके कमरों में धमकाती है, हमसे जो हमारी ड्यूटी नहीं है हमसे वो भी ड्यूटियाँ करवाती हैं, सफाई करवाती है और हमें टॉर्चर करता है। लॉकडाउन में इन दोनों को घर से, हॉस्पिटल से घर भेजा गया था। जब कार्रवाई की तो हम सबसे स्टाम्प लिखवाए गए, सबसे स्टाम्प लिखवाए गए थे जबरदस्ती। नहीं लिखा हुआ था उसके बाद, खाली स्टाम्प थे, उसके बाद मैटर लिखा गया, लिखवाया गया था स्टाम्प लिखवाए गए थे। अब आप हमारे रूम में देख लो, बेड के नीचे चिप मिली है। हमारे वॉशरूम में भी एक पहली थी जिसकी हमने हटा दी, और इन्होंने, इनको कार्रवाई का बोला था लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। फ्रंट कैमरा करो, दूसरे वाला। फ्रंट में आपको दिखाएंगे चिप। हम चारों स्टाफ है, देख लो, पंचों स्टाफ है। मंजू, हम सबको टॉर्चर किया जाता है। शास्त्राम जी सार्वजनिक हॉस्पिटल, यहाँ पे विक्रमजीत सिंह है, गुसर मोडिया जो ये काम करता है, सुरिंदर है, राजिंदर है और वीरपाल है। पलटो बेड। ये देखिए चिप लगाई गई है, ये देखिए ये लगी हुई चिप है बेड के नीचे। ये हमारा रूम है, हमारे कमरे हैं। बेड पलट दे। ये देखिए चिप लगाई गई है हमारे कमरों के अंदर। ऐसे गैरकानूनी काम करते हैं यहाँ पे, और हमें दमका के रखा जाता है, वरना जॉब से निकाल देंगे। अभी भी चल रही है, हमें दमकाएंगे, हमें मारपीट भी करने आएंगे, हमसे वीडियो भी डिलीट करवाएंगे ये गुंडे। हमें इंसाफ चाहिए। रिंकू मैनेजमेंट तेरे साथ छिंदे ने क्या बदतमीजी की थी।